वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री ना, हमारा ही ध्यान नहीं रखोगे तो फिर इंडिया के फ्यूचर का क्या होगा? कोई होप ही नहीं लग रही कि इसमें कुछ अब आगे होगा, नॉट रेडी डन लग रहा है कि कैसे अब इसको हम एकदम भरोसा होता है वो खत्म हो गया एकदम से। हेलो, आई एम जिशान अख्तर एंड यू वॉचिंग द हिंदू। NEET UG exams conducted recently by the National Testing Agency NTA have come under intense scrutiny following the announcement of results on June 4th. An unusually high number of candidates achieving a perfect score of 720 has fueled allegations of a paper leak, prompting widespread criticism and debate. To study medicine in India, one needs to rank highly in the National Eligibility cum Entrance Test NEET. This year, thousands of candidates secured unusually high marks in the crucial medical exam. This pushed down the ranking system, making it hard for even high scorers to get admission. It has sparked anger and allegations of cheating, as many student organizations held protests all across the country. Students and parents have demanded a retest and dozens of petitions have been filed in courts. NTA, which conducts the test, has denied allegations of paper leaks, but the education minister said some irregularities were found in some exam centers. To gain insight into the experience of students, we spoke with Surbhi and Pushpendra, two NEET aspirants who took the exam this year. My name is Surbhi and I'm a NEET aspirant, and I appeared like fifth time this year and I scored around 650 and my rank is 29,487. Bahut zyada inflated kyunki last year if I compare the same marks to last year 650 pe rank max to max 6500 something gayi thi. Now the rank has inflated 5 times. मल्टीपल्स लाइक 30,000 तक भी रैंक गए हैं। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही है कि इवन आफ्टर गेटिंग 650 मार्क्स आई एम नॉट श्योर कि आई विल गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज और नॉट। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है और मैं लखनऊ यूपी से हूँ। मेरे नंबर 529 है इस बार। अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो पेपर लीक है। मैं यूपी से हूँ, यहाँ पे 600 पे कॉलेज मिलता था, जीएमसी अराउंड 600 से कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाता था जनरल को, जनरल एंड ओबीसी को। तो इस साल क्या हो रहा है कि 650 प्लस वालों को भी कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। 650 प्लस पे भी जो रैंक है वो 30,000 के अबव जा रही है, उनको कॉलेज नहीं मिलेगा कहीं पर। फिर रिजल्ट आया, ऑल ऑफ अ सडन 4th जून को रिजल्ट आ गया, दैट वाज सपोज्ड टू कम ऑन 14th जून। हम रैंक वो कर रहे थे कि टेंटेटिव रैंक पिछली बार 6,000 आई थी, इस बार 10,000 तक आ जाएगी, वो आ गई 29,000। एवरीबॉडी इज इन शॉक, सब ने रिजल्ट देखा और सब का दिमाग खराब। 4 जून अभी तक के सब नीट एस्पिरेंट के बच्चों की जिंदगी का सबसे मनहूस दिन रहा होगा। आई मस्ट से दिस, मैंने खुद रिजल्ट देखा, मेरा खुद का दिमाग खराब कि ये क्या हो गया। एवरी स्टूडेंट आउट देयर, इवन देयर पेरेंट्स, इवन माय पेरेंट्स, एवरीवन जो फाइट कर रहा है, जो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहे हैं या तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन ले, तो देयर वी हैव टू प्रूव इट। हमें होप्स गवर्नमेंट से भी है, वी आल्सो वांट कि गवर्नमेंट इसको देखे। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से यही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमको होप भी है कि वहां से हमको जस्टिस मिलेगा और हम लोग चाहते हैं कि पेपर दोबारा हो। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे भी मैं चाहूंगा इस पेपर को कैंसिल किया जाए और जांच करवा करके जल्द से जल्द पेपर दोबारा कराया जाए। पूरा साल, ठीक है, मैं मेरे खुद के दोस्तों को देख रही हूँ, चिल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, दे वर्किंग, दे गेटिंग मनी, और फिर मैं खुद को देखती हूँ डूइंग नथिंग, 4-5 किताबें दिन में, वही खोलो, वही पलटो, वही देखते रह जाओ, बार 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 पढ़ो और इरिटेट हो जाओ बहुत। मैं बता रही हूँ, बच्चे सो नहीं पाते, लिटरली नहीं सो पाते। मेरी खुद की कोचिंग में सुबह 6:45 से क्लास होती थी, हॉस्टल आ रही 2 बजे तक, फिर आओ खाना खाओ, थोड़ा सा सो जाओ, फिर उठो, फिर उसके बाद पढ़ो पढ़ो पढ़ो, होमवर्क करो, क्लास करो, क्वेश्चंस करो, पेपर्स लगाओ, कुछ छूट तो नहीं गया, फिर डाउट्स पूछो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर पूरी साल हम लोग अच्छा खासा पढ़ाई करते हैं, 15 से 16 घंटे डेली हम लोग पढ़ाई करते हैं, 10 से 12 घंटे लाइब्रेरी में देना, फिर वापस आना, और पूरी साल और मेंटली प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर कि वो कैसे कैसे इसको आगे लेके जाएगा ताकि लास्ट में जाके अच्छा कर सके। जो मेरे पास है एक बार, मेरे को मुझे लग रहा था उनको एमबीबीएस नहीं भी मिलेगा तो कुछ और ले लूँगा, मैं बीएमएस वगैरह ले लूँगा, जिससे क्या है कि मेरा कुछ स्टार्ट हो जाएगा मेरी लाइफ में। बट अभी क्या है, मैं इस सिचुएशन पे आ गया हूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फैमिली को पहले तो ये लग रहा था कि चलो इस बार कुछ ना कुछ मिल जाएगा, सबसे पहले तो यही था,
कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो कुछ करने लगूंगा। लेकिन जब मेरी रैंक को उन्होंने देखा ना, तो वो देख करके मैं शॉक था और सब शॉक थे। तो उनको ये अभी उन लोग ये सोच रहे हैं कोई होप नहीं है इसमें, अभी क्या पता मैं इस बार फिर पूरी साल तैयारी करूँ और नेक्स्ट ईयर फिर से यही हुआ तो फिर से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, फिर क्या करूंगा। जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग इसको पेपर को खरीदते हैं और वो खरीद के पेपर में उनके नंबर इतने ज्यादा आ जाते हैं, हम लोग कहाँ एडजस्ट करेंगे, कहाँ कोई होप ही नहीं लग रही कि इसमें कुछ अब आगे होगा। नॉट रेडी डर रन लग रहा है कि कैसे अब इसको हम एकदम भरोसा होता है ना वो खत्म हो गया एकदम से। As a student feels like कि हम stuck in a loop, घूम रहा है, बाहर ही नहीं हो रहा, कोई social interaction ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। उसके बाद इतना मेहनत करके आओ और फिर exam का result आता है और फिर लगता है कि मेहनत मेरी कमी थी या मैंने कम की। तो इसीलिए वी आर होपिंग कि गवर्नमेंट भी लुकआउट करे, ठीक है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं है, उन्हें देखना चाहिए। बच्चे सफर कर रहे हैं, इतना सफर कर रहे हैं कि 18 साल के बच्चे जान दे दे रहे हैं, जिनकी जिंदगी अभी ठीक से शुरू तक नहीं हुई है, उनको जीने का ही मन नहीं है। दिस इज अ बिग थिंग, वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री ना, हमारा ही ध्यान ही रखोगे तो फिर इंडिया के फ्यूचर का क्या होगा। आप किसी से भी पूछो ना, पता है बच्चे अपने आप को लेयर में रखते हैं, ठीक है, यू विल सी देम लाफिंग एंड हैंडलिंग एवरीथिंग एंड देन यू पोक देम एंड दे विल क्राई लाइक दिस ओनली। आई वाज आल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि जब भी इसकी बात करो ना पूरा चीज याद आता है, तो आई स्टार्टेड मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या यार, इतना टाइम भी दे दिया, रिजल्ट भी नहीं आया और अब क्या। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अब क्या। द स्टूडेंट्स आर ईगरली अवेटिंग द नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन जुलाई 8 फॉलोइंग रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी। Last week, the Central Bureau of Investigation took over the investigation into alleged irregularities in the NEET exam. Amidst growing backlash, the center responded by forming a 7-member panel to review the workings of the National Testing Agency and suggest reforms. In a significant move, the government removed NTA Director General Subodh Kumar Singh from his position. Retired IAS officer Pradeep Singh Kharola has been appointed as the new Director General of the NTA, aiming to restore public trust during the scrutiny.